जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी रिएक्शन। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया आरबीआई टू विड्रॉ आरएस 2000 करेंसी नोट इन इंडिया। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन शो का वीडियो है जो फैसल भाई का है, और इसमें आज उन्होंने जो भारत सरकार ने 2000 की नोट बंद करने का निर्णय लिया है उसके बारे में पाकिस्तानी आवाम से पूछा है कि भाई इससे भारत को किस तरह का फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला। तो ये कुछ सवाल उन्होंने पाकिस्तानी आवाम से पूछे है और उसमें पाकिस्तानी आवाम ने क्या राय दी है ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए चलते वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले सभी जो नए व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उन्होंने पता क्या किया? देखिए एक चाय वाले को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया। ट्रू डेमोक्रेसी, दिस इज ट्रू जमहूरियत। जमहूरियत इंडिया बहुत ज्यादा स्टैंड कर रहा है, उनकी करेंसी बहुत ज्यादा बेहतर से बेहतर हो रही है, यहाँ पे कोई हाल नहीं है। ये बहुत अच्छा स्टेप चला है इंडिया वाले, शुरू से ही हमसे एक कदम आगे है। मूवीज भी उनकी देख ले और वो 100 कदम आगे चले गए। मैं कहता हूँ इंडिया वालों के साथ हमें भी मिलके एक स्टेप लेना चाहिए, हमें भी ये नोट बंद करवाने चाहिए। और करप्शन को नोट बंद हो, बड़ा बड़ा नोट बंद हो और मशीनें ऐसी आ जाएं जो कि जाली नोट को भी पकड़ ले। कैसा स्टेप है करप्शन को रोकने के लिए और ब्लैक मनी को रोकने के लिए? जी स्टेप तो उन्होंने बहुत अच्छा जो उनसे चुना है, ठीक है इंडिया ने। दोनों कंट्री के पॉलिटिशियंस का क्या विजन देख रहे हैं? वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं, हम अपनी आवाम को तबाह करते जा रहे हैं, मुल्क को तबाह करते जा रहे हैं। आपको भी दुख होता है, मुझे भी दुख होता है, आप ही पाकिस्तानी, आपकी जिंदगी भी इफेक्ट होती है, मैं पाकिस्तानी हूँ मेरी जिंदगी भी इफेक्ट होती है। कि पहले हम गलती मानते ही नहीं थे, हम कहते थे जी उसकी साजिश है, इंडिया की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हम बिल्कुल दूध के धुले हैं, हम बिल्कुल अच्छे हैं, हमसे बड़ी कोई नेशन नहीं है। कि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। हम उन्हें दुश्मन समझते हैं लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। उनमें बहुत सारे ये 3 किलोमीटर उधर बैठे हुए हैं लाहौर के, उनसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कहीं से भी आप जो है ना सीख सकते हो। ये जो दुश्मनी वाला ये भी चूर्ण डाला गया था बेशक। जी तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं हूं फैसलर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन शो। आज बहुत बड़ी एक खबर आ रही है कि इंडिया में जो 2000 का नोट है, 2000 का जो नोट है उसको विदड्रॉ कर दिया जाएगा, उसको नई प्रिंटिंग उसकी नहीं की जाएगी और 3-4 महीने का टाइम है। लोग जो है वो बैंक में आहिस्ता आहिस्ता करके जो है 10 नोट जो है वो सबमिट करवा के 20,000 जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम काफी है, लोग जो है वो कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट कितना है? बेनिफिट इसका ये है कि जो ब्लैक मनी है, जो करप्शन का पैसा है वो बाहर निकलेगा। अब ऐसे स्टेप्स, अब 2016 की बात करूं मैं पीछे नरेंद्र मोदी के टर्नओवर में, तो तब भी नोटबंदी की गई थी, अब फिर नोटबंदी की बात की जा रही है, और ये ऐसे स्टेप्स हैं जो आपकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आपकी करप्शन को रोकते हैं, आपका जो व्हाइट मनी है उसको सपोर्ट करते हैं। ब्लैक मनी के लिए ये जो है वो एक बहुत बड़ा धचका होता है जब आपकी नोटबंदी होती है, जिन्होंने पैसा छुपाया होता है गोदामों में, पता नहीं कहाँ कहाँ रखा होता है, वो फिर मजबूरन बाहर निकालते हैं। तो ऐसे स्टेप्स पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है, क्या वजह है कि इंडिया ऐसे स्टेप लेता है और अपनी बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। और साथ ही मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं लेता? गवर्नमेंट के जो पैसे हैं, क्या गवर्नमेंट ने की जो ब्लैक मनी है वो क्या अपने पैसों को वाइट करने के लिए कोई ऐसा स्टेप्स लेंगे जिनके अपने ही ब्लैक मनी के पैसे पड़े हुए हैं, जिनके अपने ही जो हैं वो ऐसे पैसे पड़े गए, उन्होंने ये फैसला करना है। उनके जो सियासतदान और इनके सियासतदान में बड़ा फ़ायदा है, वो कम करप्शन करते हैं, होती तो हर जगह पे है, ये नहीं कि कहीं पे करप्शन नहीं हो सकती, लेकिन जो वहाँ पे ऊपर हैं फैसला करने वाले वो करप्ट नहीं है, यहाँ पे वो हैं, तो कैसे करेंगे? तो सारे सवालों के जवाब लेंगे पब्लिक से और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? रिजवान। क्या करते हैं सर? एडवोकेट। वकील है सर। ठीक है सर, थोड़ा सा मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी क्या सूरत हाल चल रही है अभी? जब हर बंदा ही करप्ट होगा तो ऐसा ही हाल होगा, हर डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, हर जगह पे ना सियासतदान ठीक है ना जजेस ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे ठीक होने को तैयार नहीं है, तो मुल्क के हालात दिन ब दिन बुरे से बुरे हो रहे हैं, बुरे से बुरे हो रहे हैं इकॉनमी की है। अच्छा आज ही एक खबर आ रही है नेबर कंट्री इंडिया से कि उन्होंने जो 2000 का नोट है ना उसको विड्रॉ कर लिया है, उसको बंद करने जा रहे हैं, 3-4 माह का टाइम दिया कि जिन्होंने चेंज करना है वो चेंज कर लें। क्या इससे आपको लगता है कि जो ब्लैक मनी होती है वो रुक जाती है, मुल्क में जो करप्शन हो रही होती है वो रुक जाती है, जिन्होंने करप्शन का पैसा छुपाया होता है उनको बाहर निकालने की वो जो है ना वो मजबूरन वो बाहर निकालना पड़ता है, इससे इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग होती है? इससे इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है।
हर लिहाज से हर तरह से। तो मतलब इंडिया का ये स्टेप अच्छा स्टेप था। हाँ, उनका ये अच्छा स्टेप है, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, सदा कुछ करते हैं, यहाँ कोई नहीं करता कुछ भी। ठीक है सर, अगर मैं 2016 में थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ, नरेंद्र मोदी का टिनोर था, तब भी नोटबंदी हुई थी और जितना करप्शन का ब्लैक मनी पैसा था वो मार्केट में बाहर आया, तभी हम देखते हैं कि आज इंडिया कहाँ पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे वो करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अवाम की पॉलिसीज बना रहे हैं, वो लोगों को देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगियां कैसे बेहतर हो सकती हैं, और उसके बरक्स पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे दोनों कंट्री की स्ट्रेटजी को? यहाँ पर भी ऐसा हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, जो लोगों ने ब्लैक मनी छुपाई हुई है सब बाहर आ जाएगी, यहाँ भी निज़ाम ठीक हो जाएगा। सर दोनों कंट्री के पॉलिटिशियंस का क्या विजन देख रहे हैं, वो अपनी अवाम का सोच रहे हैं, हम अपनी अवाम को तबाह करते जा रहे हैं, मुल्क को तबाह करते जा रहे हैं, आपको भी दुख होता है, मुझे भी दुख होता है, आप ही पाकिस्तानी, आपकी जिंदगी भी इफेक्ट होती है, मैं पाकिस्तानी हूँ मेरी जिंदगी भी इफेक्ट होती है, फिर हमें तकलीफ होती है, फिर हम ऐसे पॉइंट्स को उजागर करते हैं जिसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं, तो हम बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं? एज अ एडवोकेट आप क्या मशवरा देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या पब्लिक को, जिससे पाकिस्तान बेहतर हो, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो? पब्लिक को अपने तौर पे हर बंदे को सोचना पड़ेगा, अपने तौर पे हर तरह का हक अदा करना चाहिए पब्लिक को भी, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हर डिपार्टमेंट में, जुडिशरी में, पुलिस में और हर डिपार्टमेंट में, जहाँ जिस किसी का मौका मिलता है वो अपनी जेब गर्म करने का सोचता है, मुल्क के लिए अवाम के लिए कोई भी सोच नहीं रहा है। इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा, सर गरीब को रोटी नहीं मुयसर हो रही, बेचारा मर रहा है, मुझे रोना आता है जब मैं अपने गरीब का हाल देखता हूँ। तो क्या देखते हैं दोनों कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रही है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया बहुत ज़्यादा स्टैंड कर रहा है, उनकी करंसी बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो रही है, यहाँ पे कोई हाल नहीं है, पता नहीं कब ये होगा सारा। इसके कसूरवार हम हैं या ये भी इंडिया की साजिश है जो हमारे पूरे हालात के कसूरवार हम हैं, इसी की जो है ना। शुक्र है सर आप हमारी आवाम मानना शुरू होगी, जब हम मानेंगे फिर ही हम बेहतर होंगे ना। जिम्मेदार हैं, जिसको किसी चीज़ का भी मौका मिलता है वो अपनी जेब पढ़ने की सोचता है। आवाम को भी ठीक होने की जरूरत है, हुक्मरानों को भी ठीक होने की जरूरत है, हुक्मरानों को भी ठीक होने की जरूरत है, आवाम को भी ठीक होने की जरूरत है, फिर पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, फिर पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कामरान सर। क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी का काम। ज्वेलरी का काम करते हैं? यस सर। बिजनेसमैन। अच्छा मुझे ये बताएं कैसा बिजनेस चल रहा है, इकोनॉमी के क्या हालात है पाकिस्तान में, पैसे की क्या वैल्यू रह गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी क्या कहना है आपको, आपके सामने ही है हर चीज, ठीक है। 2,36,000 रुपये तोला सोना है, ठीक है, 2,36,000 रुपीज तोले का रेट, और इतनी महंगाई में किसने सोना बनाना है पहले ये बताएं। और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी का तो आप पूछे ही ना आना, इस टाइम जो हालात हैं अब आपके सामने ही है, हर चीज़ का रेट डबल से बल्कि 3 गुना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, मतलब बुरे हालात इकोनॉमी के चल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज नेबर कंट्री में एक खबर आ रही है, इंडिया की खबर आ रही है कि उन्होंने 2,000 वाला नोट है ना उससे विड्रॉ कर लिया है, उसको अब बंद करने जा रहे हैं। अब क्या होगा जी? अब ये होगा कि जो ब्लैक मनी है ना वो जो है ना रुक जाएगी, वो जो बड़ा नोट है करप्शन में यूज होता है उसकी ब्लैक मनी रुक जाएगी, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, 3-4 महीने का टाइम है, उसमें अब सारा पैसा बाहर निकलेगा, बैंकों में दोबारा डिपॉजिट होगा। क्या कहना चाहेंगे, कैसा स्टेप है करप्शन को रोकने के लिए और ब्लैक मनी को रोकने के लिए? जी स्टेप तो उन्होंने बहुत अच्छा जो उनसे चुना है, ठीक है, इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान ने भी तो 40,000 वाला बॉन्ड जो उनका प्राइस बॉन्ड बंद कर दिया है, ठीक है, लेकिन इंडिया के हालात हमारे से काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो हमारा 1 रुपया उनका साढ़े, हमारा बल्कि 1 रुपया उनका 1 रुपया, हमारा तकरीबन 4.25 रुपए बन, 4.25 रुपए बन रहे हैं, ऐसे ही ऐसे ही है। ये हालात हमने अपनी इकोनॉमी के कर दिए हैं, हम 4 गुना पीछे हैं इंडिया से, 4 नहीं 10-100 गुना पीछे, 10-100 गुना पीछे हैं। कभी क्या कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट, आपका मेरा ख्याल क्यों नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम का ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा, आम आदमी का ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा, ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बनाई जा रही जिससे पाकिस्तान में करप्शन रुके, जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े, क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा? सर जी ये देखें जितनी भी जमातें हैं ना सारी फेक हैं, ठीक है। अब खान साहब हैं उनका काम नहीं बनता, इतने बंदों को लेके जाना, पुलिस की फाइनिंग करवाना, ये वो काफ़ी कुछ हुआ उधर, ठीक है, DIG साहब को जोन साहब वो आँख पर लगा, बहुत कुछ हुआ। तो दूसरी जमातें हैं जोन सिंह हैं, उन्होंने करप्शन इतनी ज़्यादा की है, नून लीग वगैरह हो गई और भी हैं काफ़ी जमातें हैं, तो अलग ही है। आपको क्या लगता है कि इस मुल्क की जो ये हालत है इसमें अवाम का कसूर है, हुक्मरानों का कसूर है,
या किसी की ये भी साजिश ही है या हम अपने कसूरवार खुद हैं, हमने इस नतीजे पे खुद ला के खड़ा कर दिया खुद को, या ये भी साजिश ही है? हमने खुद जो ना अपने आप को नीचे डुबो रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि हम डूब रहे हैं, लेकिन हम फिर जो ना हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, अब जो पाकिस्तानी अवाम है ना वो ये मानना शुरू कर गई है कि हमारी अपनी ही गलतियां हैं, हमारे अपने ही फ्लॉज हैं जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए हैं। अब इसमें एक अच्छा पॉइंट क्या हो जाएगा, इससे अच्छा पॉइंट ये हो जाएगा कि जब हमें अपनी गलतियां पता लगना शुरू हो जाएंगी, फिर हम उन गलतियों पे काम करना शुरू करेंगे, तो फिर हम गलतियों को सुधार करेंगे, तो फिर हमारी कंडीशंस बेहतर भी हो सकती हैं। पहले क्या प्रॉब्लम था कि पहले हम गलती मानते ही नहीं थे, हम कहते थे जी उसकी साजिश है, इंडिया की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हम बिल्कुल दूध के धुले हैं, हम बिल्कुल अच्छे हैं, हमसे बड़ी कोई नेशन नहीं है, इस चूरन के पीछे लगे हुए थे। अब ये थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हो गई है कि हमें ये पता लगने लग गया है कि हमारे अपनी गलतियां हैं, अब उन गलतियों पे वर्किंग करने से पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। चाहता तो मैं हूँ कि पाकिस्तान बेहतर हो, मेरे जैसी अवाम, इनकी जैसी अवाम जो है वो उनकी जिंदगियां बड़ी मुश्किल हो रही हैं। अच्छा अब आ जाते हैं इंडिया की तरफ आ जाते हैं, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि वो आज बहुत ऊपर है, हमने ऐसे क्या काम किए कि हम आज बहुत नीचे हैं? सर जी उन्होंने पता क्या किया है, देखिए एक चाय वाले को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है। ट्रू डेमोक्रेसी, दिस इज ट्रू जमहूरियत, जमहूरियत, और अल्लाह आपका भला करे, उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता काम किए हैं, उनका जो उनसे हॉस्पिटल वगैरह ठीक है, ट्रीटमेंट हमसे 10 हेल्थ का सेक्टर, हेल्थ का जो सेक्टर है 10 गुना ज्यादा, ठीक है, उनका बिजनेस इस टाइम हमसे 20 गुना ज्यादा है, बिजनेस कोई बिजनेस भी वो कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग डिफॉल्टर हुए हुए हैं, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं दूसरी कंट्री कौन सी है, हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं ना, गंदे लोगों के पीछे कि कोई भी है। और तो, कौन से सेक्टर हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं इंडिया के? हाँ इंडिया के सर जी काफी सिस्टम अच्छे हैं, एजुकेशन को देख लें, एजुकेशन बहुत हाई है उनकी, डेवलपमेंट को देख लें, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, ऐसे ही है, हाई है, बहुत हाई है, मेडिकल की फील्ड को देख लें, वर्ल्ड फार्मा है, ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मेड इन इंडिया मोबाइल, मेड इन इंडिया कार्स, मेड इन इंडिया बाइक्स, मेड इन इंडिया, पर मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया चल रहा है, मेड इन पाकिस्तान कहाँ, जमीन के नीचे चला गया, जमीन के नीचे चला गया, कभी मेड इन पाकिस्तान होता था, इंडिया बहुत कम होता था, कसूरवार हम हैं, हम हैं और बदलेंगे भी हम ही अब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह अवाम ही बदलेगी अब, अल्लाह ने जो उनसे ना हमारे मुल्क के हालात ठीक करने हैं, खुदा उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद की हालत नहीं बदलती, नहीं बदलती, हमने अपनी हालत अभी तक नहीं बदली, अब अवेयरनेस आ रही है लोगों में और अब बेहतरी की बात हो रही है, ऐसे ही ऐसे ही इंशाल्लाह मुल्क हमारा बदलेगा। अब दो लाइनों में ये बता दें कौन सी ऐसी सजेशन है एज अ पब्लिक, एज अ बिजनेसमैन, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो सकती है, पाकिस्तान की हालत बेहतर हो सकती है? जी क्या क्या कह सकते हैं, जिसको देख लें तो वो नीचे ही है, लो ही है, बेहतर कैसे हो सकती है? बेहतर ऐसे ही हो सकती है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला पब्लिक जिसको चूज करे वो आए, चूज करे। अब मैं बताऊं कौन सी 3-4 चीजें हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है। एजुकेशन नंबर 1 पे, जो हम माइंड में लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना उसको निकाल के पॉजिटिव एजुकेशन देने की जरूरत है। दूसरी बात है बिजनेस रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तीसरी बात है डेमोक्रेसी, एक वज़ीरे आज़म को 5 साल का टेन्योर पूरा करने दिया जाए। चौथी चीज है लोगों का पॉजिटिव होना। पांचवी चीज है हम जो जिस चीज में बेईमानी कर रहे हैं, हम करप्शन कर रहे हैं, करप्शन को रोकें। ये वो मोटे मोटे पॉइंट थे, अभी पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट। वही बताया ना कि हम बहुत लो हैं, हर चीज में हम लो हैं, हमारी अपनी गलती है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बदलेगा, बेहतर करे, और अभी हम तैयार करेंगे अपने पाकिस्तान को बदलने की और बेहतरी की तरफ। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा खा पी सो रहा है, अच्छे हालात, सारे लोग नहीं भी खा पी के सो रहे हैं, जिनके पास है दाना वो तो खा रहा है, जिसके पास दाना नहीं है वो नहीं खा रहा, ऐसे ही है। आप ये कह सकते हैं वाकई के हालात बहुत ना तंग है। ठीक है जी, इनकी राय देखिए, अब कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमर हरून। क्या करते हैं? मैं BSN कर रहा हूँ। स्टूडेंट है? जी जी। आपका नाम? दाऊद सदिलियस। क्या करते हैं? मैं BSN कर रहा हूँ। स्टूडेंट है आप? जी जी स्टूडेंट। क्या सूरत हाल है इकॉनमी की पाकिस्तान में, महंगाई और इन्फ्लेशन और लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है? मैं जहाँ तक देखा जाए कि जो नवाज शरीफ का दौर था उसमें
लोगों का बहुत सारा जो था ना कि कारोबार वो भी अच्छा चल रहा था, इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही थी, महंगाई कम थी। आजकल चीजों की प्राइस जो है डबल है, डबल से भी ट्रिपल है। बितौनी के भाई की गवर्नमेंट है, लेकिन जो अब निजाम है अभी उनके पास आया है, पीटीआई ने जो भी किया है ना, मेरे ख्याल से तो वो बहुत गलत किया है मुल्क के साथ, मुल्क को पूरे मुल्क को कर्जे में डुबो दिया। लेकिन जब सर वो तो 3 साल का टेन्योर है ना, चलो 3 साल में बड़ी गलतियां हुई होंगी, बड़े कर्जे लिए होंगे, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन 75 सालों से ही हम नाजुक सूरत हाल में है। 75 सालों से तो इमरान खान ने ना बैठा हुआ। मेरी बात सुने, फिर भी आज से आप 5 साल पहले जाएं तो लोगों से पूछे तो उनका हालात बहुत अच्छे थे, ठीक है, उनकी जो इकोनॉमी थी या कारोबार थे वो बहुत अच्छे थे। अब पेट्रोल अब नहीं है अच्छे, अब नहीं है अच्छे। अच्छा, अभी एक खबर आ रही है नेबर कंट्री इंडिया से, उन्होंने जो 2000 वाला नोट है ना वो बंद कर दिया है। अब इससे क्या होगा, जितनी करप्शन का पैसा छुपा हुआ है ना वो बाहर आ जाएगा। अच्छा। और जितनी ब्लैक मनी है वो अब नहीं होगी, व्हाइट मनी चलेगी, कन्वर्ट हो जाएगी, करप्शन का पैसा निकल के आ जाएगा। कैसा स्टेप है इंडिया वालों ने चला ये नोट बंद करके, बड़ा नोट? मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा स्टेप चला है इंडिया वाले, शुरू से ही हमसे एक कदम आगे है, मूवीज भी उनकी देख ले, अब वो 100 कदम आगे चले गए हैं। मैं कहता हूँ इंडिया वालों के साथ हमें भी मिलके एक स्टेप लेना चाहिए, हमें भी ये नोट बंद करवाने चाहिए। और करप्शन को नोट बंद हो, बड़ा बड़ा नोट बंद हो, और मशीनें ऐसी आ जाएं जो कि जाली नोट को भी पकड़ लें, ठीक है। जैसे कि फर्जी मूवी आप देखें उसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं तो बस एज अ यंग स्टूडेंट आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान में से इंडिया कितना आगे और पाकिस्तान कितना पीछे है? देखिये इंडिया जो है वो हमसे तकरीबन कह लें कि 50 साल आगे जा रहा है, मूवीज में देख लें, ठीक है, उसके अलावा सिंगिंग में देख लें, या उनके बहुत से जो न्यू जो है स्टार उनको मौका मिलता है। हमारे जो बहुत सारे यंगस्टर हैं, ये हमारे भाई हैं, इनकी भी आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है, आ जाए भैया आप, इनकी भी आवाज बहुत अच्छी है, इनमें टैलेंट है, इनमें डांस का टैलेंट है, ठीक है, लेकिन मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, इसी वजह से तो 8 लाख पाकिस्तानी यंगस्टर बाहर चला गया छोड़, ऐसे ही ऐसे ही उनको आगे नहीं आने दिया जाता। लेकिन ये है कि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। हाँ, उन्हें दुश्मन समझते हैं लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। हाँ। उनमें बहुत सारे ये 3 किलोमीटर उधर बैठे हुए हैं लाहौर के, उनसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कहीं से भी आप जो है ना सीख सकते हो, ये जो दुश्मनी वाला ये भी चूर्ण डाला गया था। बेशक बेशक ऐसे ही है, हमें सीखना चाहिए, और इसके अलावा हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहिए, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। आप क्या कहेंगे, ये 2000 का जो नोट बंद हुआ इससे करप्शन और ब्लैक मनी जो है वो बाहर निकलेगी? जी जी ऐसे ही है, जैसे 2000 का नोट बंद हुआ है, जितने भी लोगों ने 2000 का नोट स्टोर किया ब्लैक मनी की सूरत में, वो बाहर आएगा ऑटोमेटिकली। इंडिया वाले ऐसे क्यों स्टेप चुक रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी आगे लेके जा रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान में क्यों स्टेप उठाए जाते हैं? स्टेप पाकिस्तान में इसलिए, यहाँ करप्शन है, लेकिन वो जो है ना जोड़बाजी, और जो वो आ जाती है कि एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना, मुल्क का सोचते ही नहीं है, ये अपना सोचते हैं, इस वजह से जो है ना ये ऐसे स्टेप लिए ही नहीं जाते, वो मुल्क का सोचते ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ये स्टेप लेने हैं उन्हीं का तो ब्लैक मनी पड़ी हुई है। यही मसला है ना, देख लें अभी जितने भी हुक्मरान हो गए या जितने भी लीडर वगैरह होंगे उनका ब्लैक मनी है। हाँ। आवाम बंदे के पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, ब्लैक मनी का यही मसला है ना। बिजनेसमैन के पास पड़ा हुआ है, वो भी हुकूमत को कंट्रोल करते हैं जी, ऐसे ही अब आम बंदे के पास देखें, रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है, तो ये ऐसे ही है। हमें इंडिया से क्या सीखने की जरूरत है? हमें जैसे वो देखें कि वो हर एक जो है वो लीडर वगैरह जो भी हैं वो सारे मिलके चलते हैं, अपने मुल्क की तरक्की, अपनी अवाम का सोचते हैं, ये है, जो हुक्मरान आता है वो अपनी अवाम का सोचता है, लेकिन यहाँ जो है मैसेज दे दें कि हमारे लीडरान भी अपनी अवाम का आपका मेरा सोच लें, वो नहीं सोचेंगे रहने से, नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे रहने से, वो अपना ही सोचेंगे। आप मायूस हो चुकी है पाकिस्तानी अवाम? हो चुके हैं, मैं तो किसी को सपोर्ट भी नहीं करता, किसी को सपोर्ट नहीं करते जी। तो आपने देखा आज का जो टॉपिक था, काफी लोगों से हमने बात की और उनसे पूछा था कि ये 2000 वाला जो नोट है इसको बंद करने का स्टेप जो है वो कैसा है, तो सबने अप्रिशिएट किया कि इससे जो ब्लैक मनी है वो रुक जाएगी, करप्शन रुक जाएगी। तो इंडिया तो हर चीज में बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान को भी जरूरत है कि ऐसे स्टेप ले, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स करे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स करे, इलेक्शनल रिफॉर्म्स करे, बहुत सारे रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है, फिर हम भी आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम भी आगे जा सकते हैं, फिर हमारा कंट्री जो है वो भी तरक्की कर सकता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम और से और नीचे जाते जाएंगे। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, मैं वो पॉइंट उठा रहा हूँ जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं, और वो साथ सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर रहा हूँ जिससे हम आगे आ सकते हैं। तो जिन लोगों को मेरी राय अच्छी लगती है वो एग्री भी कर सकते हैं, जो उनको नहीं अच्छी लगती वो डिसएग्री भी कर सकते हैं, अपनी राय जरूर देनी है आपने कमेंट सेक्शन में। और वेल डन इंडिया, आप लोगों की हर पॉलिसी, आपकी हर ऐसी चीज़ जो कि पब्लिक के लिए होती है
बहुत खुशी होती है कि देखते हैं कि नेबर कंट्री इतनी तरक्की कर रहा है, और बहुत दुख होता है कि हम ऐसी चीजें नहीं कर रहे, तो हमें भी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। ये थी आज की वीडियो, और काफ़ी अच्छी राय दी पाकिस्तानियों ने, फैजल भाई ने जो पूछा उनको अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि इसका क्या फ़ायदा है इंडिया को। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2000 की नोट को बंद करने का फैसला लिया है, ये काफ़ी अच्छा है, जिससे कि ब्लैक मनी बाहर आएगा और इंडियन इकोनॉमी को इससे ज़रूर फायदा मिलेगा। दोस्तों बस आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते अगली वीडियो में। मगर वीडियो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।